नमस्कार, मैं हूँ काव्यल सिदानी और मैं हूँ केतन सिंह और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर YESS ऐप टाइप कीजिए, जैसे वो आपको दिखाई दे इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप बाई ESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। Sweetie Kumari, we know she's fast. Try. Hello, Namaskar. मेरा नाम स्वीटी कुमारी, मैं अंतर्राष्ट्रीय रग्बी खिलाड़ी हूँ। मैं रग्बी का 14 नेशनल और 7 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हूँ। अभी फिलहाल मैं बिहार टीम की कैप्टन हूँ। हमारा स्पोर्ट्स का जर्नी 2012 से स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग में हम एथलेटिक्स कर रहे थे क्योंकि हमारे स्कूल में जब एथलेटिक्स स्पोर्ट मिस हो रहा था तभी बोला गया कि कौन कौन करेगा। तभी हम इच्छुक हुए भाई सभी बड़ी बड़ी दीदियों को देख के कि मुझे भी करना चाहिए। तभी हमने करना शुरू किए, सोचे कि एक स्पोर्ट्समैन का लाइफ बहुत अच्छा होता है, मैंने ऐसे सोची। तभी मैंने करना शुरू किया और तभी करते गई और कई नेशनल्स और कई स्टेट मीट्स हमने खेले हैं एथलेटिक्स के। क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे ग्राउंड नहीं है तो प्रॉब्लम हो रही थी। हम कभी बालू पे दौड़ ले रहे थे, कभी रोड पे दौड़ ले रहे थे क्योंकि हमारा घर गंगा नदी किनारे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात थी कि हम गंगा जी भी चले जाते थे रनिंग करने के लिए। रोड पे चले जाते थे तो कभी गली पे दौड़ लेते थे, मतलब ऐसा करते थे एक अच्छे नए ग्राउंड होने के कारण। मतलब बहुत मुश्किलें आई, फिर भी हमने हार नहीं मानी।
कि हाँ हमारे पास अच्छे ग्राउंड नहीं है, चाहे अच्छे कोचेस नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, हमने करना शुरू किया और किए अच्छा रहा। हमने तीन उसके नेशनल्स भी खेले एथलेटिक्स के, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जब भी हम गए एथलेटिक्स का नेशनल्स खेलने तो प्लेयर सबको देख के डर लग रहा था कि कैसे भागेंगे, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर होंगे नेशनल्स में, काफ़ी सब मेहनत करते होंगे, सब अच्छे कोच के अंडर में होंगे, तो कोच बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन लोगों को सिखा रहे होंगे, तो उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा कैसे भागना है, कैसे क्या करना है, काफ़ी स्पीडी होंगे सब, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सोचना आ रहा था। बट सोचे लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया, फिर भी हम करते रहे। फिर लास्ट टाइम हमने SGFI का स्टेट मीट करने गई तो रग्बी एसोसिएशन के सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योति सर से मिली, उन्होंने बोला कि आपका स्पीड बहुत अच्छा है, आप रग्बी बहुत अच्छा खेल सकते हो। मैंने बोली ये रग्बी क्या होता है सर? उन्होंने बोला कि ये रग्बी एक गेम है, अंडाकार बॉल होता है, उसको लेके भागना होता है, एक दूसरे से छीनना होता है, पकड़ना होता है, पटकना होता है। मैंने बोली ठीक है सर, मैं ट्राई करके देखूंगी कैसा लगता है खेलने में। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी स्टेट मीट है, आना देखने के लिए। मैंने स्टेट मीट पे गई देखने के लिए, हमने 2-3 मैचेस देखे और समझ में आ गया मुझे गेम, ये गेम क्या है, और काफ़ी फन था। फिर हमने 2-3 मैचेस देखे तो समझ में आया, बट थोड़ा बहुत समझ में आया उतना मैं खेल लिया। फिर हमारा मैच हुआ, हमने पटना टीम से खेल रही थी तो हमारा मैच हुआ, खेले काफ़ी अच्छा रहा, हम लोग जीते भी, हम लोग ब्रॉन्ज मेडल लाए, फर्स्ट टाइम खेले, लेकिन काफ़ी अच्छा, मतलब उस टाइम का एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम गेम खेल रहे और इतना अच्छा खेल रहे, बहुत मज़ा आया खेलने। उसके बाद उन्होंने बोला क्या आगे खेलना है? मैंने बोली हाँ मुझे बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ जो आ जाओ खेलते, फिर जो अभी जाएगा इसका भुवनेश्वर नेशनल तो तुम चले जाना खेलने। मैंने बोली ठीक है सर मैं जाऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है इसका मेहनत करो, वीडियोस देखो थोड़ा तो गेम समझ में आएगा। मैंने बोली ठीक है मैं खेलूंगी। तभी से मैंने रग्बी खेलना शुरू किया। थोड़ा मतलब डिफिकल्ट था, अलग सा गेम है, मतलब अदर गेमों से बहुत अलग है, क्योंकि बहुत सारे स्किल्स ड्रिल्स होते हैं इसमें, तो डोज है, तो मारना, टैकल मारना, उठना, बॉल छीनना, ट्राई करना, मतलब ऐसा कुछ है, अंडे आकार का बॉल लेके हाथ में भागना, मतलब ऐसा कुछ था। तो थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहा था स्टार्टिंग में, बट हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की इसके पीछे, क्योंकि हमने ठान लिए थे कि बस रग्बी खेलना है तो खेलना है, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे खेलने में, और इंडिया में ये काफ़ी नया था और बिहार में भी उस टाइम नया था, तो इसीलिए बहुत मज़ा आ रहा था मुझे खेलने में कि चलो हमने एक नए गेम को ज्वाइन किया और इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर। और अभी वाकई में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं रग्बी को। तभी हमने 2015 खेली, 16 खेली, फिर 16 लास्ट में हमारा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ, लेकिन अफसोस कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, बट मेरे को घर में बताना पड़ा कि पापा पासपोर्ट चाहिए। पापा ने बोला कि तुम तो एथलेटिक्स कर रही थी तो फिर पासपोर्ट का क्या ज़रूरत है? मैंने बोली कि मैं कोई और गेम खेल रही हूँ। उन्होंने पूछा कौन सा गेम खेल रहे हो? मैंने बोली रग्बी फुटबॉल। उन्होंने बोला रग्बी फुटबॉल होता क्या है? मैंने बोली पापा एक अंडे आकार बॉल होता है और लेके भागना। फिर उन्होंने बोला और मुझे समझाओ। फिर तो मैंने बोली कि नहीं, और मैं विशेष नहीं समझा सकती कि विशेष जानकारी मुझे भी नहीं है, तो मैं लाइव खेलूंगी ना तो आप देख लेना। तो उन्होंने बोला ठीक है। जो उन्होंने फिर पासपोर्ट अप्लाई करवा दिया हमारा, फिर पासपोर्ट हमारा बन गया। फिर हम इंडिया कैंप में गए तो मतलब नए नए प्लेयर से मिले, और हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप था, और भी पहले से प्लेयर थे जो इंडिया खेल चुके थे, उनके साथ में मतलब प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बॉल ड्रॉप हो रहा था, स्किल्स ड्रिल्स समझ में नहीं आ रहा था, बट हमारे टीममेट्स ने मुझे समझाया कि ऐसे करना सोची तो बहुत अच्छा होगा, मतलब उन्होंने काफ़ी हेल्प किया हमारे टीममेट्स ने। तभी हम गए फिर बहुत दिन ग्राउंड पे गए प्रैक्टिस करने, मैच के एक दिन पहले प्रैक्टिस करने गए, इतने बड़े बड़े घोड़े जिसके प्लेयर को लंबे लंबे देख के मुझे लगा कि ये सभी मात्र 17 साल की हैं, हम तो 17 साल के इतने छोटे हैं और ये सभी 17 साल के हैं। लेकिन पता चला कि नहीं, अदर कंट्री में ऐसा होता है कि वो बड़े दिखते हैं बट उनका एज बहुत कम होता है। तभी उन्होंने बोला कि हाँ इनका ऐसा ही कुछ है जो इनका एज बहुत कम दिखता है। तो मैंने बोली कि ठीक है जो खेल लूँगी, मुझे डर नहीं है। मैंने फर्स्ट मैच खेली, बहुत मज़ा आया खेल के, इतना मज़ा आया ना, मतलब फॉरेन कंट्री में अदर कंट्री के साथ खेल के
बहुत मजा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा उधर का, कुछ कहने का नहीं। फिर बाबा मम्मी भी इधर से लाइव देख के बोले कि काफ़ी अच्छा मैच रहा। हम लोगों ने उस टाइम 4th पोजीशन लिए थे इंडिया के लिए, बट हमने फिर से सोचा कि नहीं, बाबा जाएंगे तो काफ़ी मेहनत करके जाएंगे। और हम लोगों का काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत बड़ा ड्रीम्स है कि एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करें, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें, क्योंकि इन सारे गेम में हमारा गेम है रग्बी, तो इसीलिए। और अभी इंडिया और बिहार में ये नया है, बट धीरे धीरे पॉपुलर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि अभी पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर अभी आ चुके हैं बिहार में, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। बिहार में आपको बहुत सारे प्लेयर निकल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं निकल रही हूँ वैसे और भी प्लेयर निकले और हमारे जैसे बने और रग्बी को खेले, क्योंकि रग्बी काफ़ी अच्छा गेम है। ये स्किल्स आप समझ जाओगे, जब ही आओगे तो समझ जाओगे। और मतलब ये नया है तो धीरे धीरे पॉपुलर होना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया को इतना ज़्यादा मेडल्स दे रहे हैं। हमने 3 bronze 1 silver मेडल दिए चुके हैं अभी तक, तो ऐसे हमने और भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स रखे हैं कि और भी इंडिया को गोल्ड मेडल देना है, एशियन गेम्स ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करवाना है। तो मैं भी चाहती हूँ कि और भी प्लेयर्स निकले, और बिहार सरकार ने इसको मान्यता भी दे चुकी है, तो बिहार सरकार बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रही है। हमने हाल फिलहाल में उनसे मीट्स की, तो उनके मीट्स करने के बाद उनसे मैंने बहुत सारे डिमांड्स किए बच्चों के लिए, कि बच्चे को एक स्पोर्ट्स हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी है रग्बी का सर। तो उन्होंने बोले कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बोले कि ठीक है, मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल दे दूंगा। तो उन्होंने एग्री हो गए कि 3 जगह वो स्पोर्ट्स हॉस्टल देंगे। तो ये अच्छी बात है कि जो गरीब बच्चे हैं, जो मतलब बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको पैसे का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, पहनने का दिक्कत है, एक स्पोर्ट्स शूज का दिक्कत है, तो उनको वो चीज़ें उधर से मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है और करेगी, क्योंकि वो सरकारी हॉस्टल खुल जाएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो जो भी बच्चे इसको खेलना चाहते हैं वो इंटरेस्ट के साथ खेल सकते हैं। रग्बी में कुछ ऐसे स्किल्स है कि आपको बॉल लेके आगे भागना होता है, पीछे ऐसे करके पास करना होता है, मतलब बहुत अच्छा गेम होता है, बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है, मतलब आपको बहुत मज़ा आएगा खेलने आओगे तो। और सबसे बड़ी बात कि आप हार कभी मत मानो, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, उनके साथ हमको लड़ना पड़ता है, लड़ के जीतना पड़ता है, क्योंकि लाइफ से तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। तो हम आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके सामने रग्बी स्किल्स के बारे में कुछ बताने चाह रही हूँ। ये हमारा रग्बी बॉल है, इससे हम रग्बी खेलते हैं। रग्बी 7s और 15s होता है, यानी 2 मैचेस होते हैं, एक में 7 प्लेयर्स होते हैं और एक में 15 प्लेयर्स होते हैं, यानी 7 और 14 मतलब 15 प्लेयर्स होते हैं। तो हम 7s और 15s हम दोनों खेलते हैं। हम 5 7s का इंटरनेशनल खेल चुके हैं और 2 15s का, और दोनों 15s में हमारा ब्रॉन्ज है, और एक 7s में ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर है, यानी हमने अभी तक 4 मेडल इंडिया को दे चुके हैं। और ये हमारा बॉल है, इसके साथ हम लोग खेलते हैं। ये हमारा बॉल है, यहाँ से हमको पीछे पास करना होता है, पीछे पास करना होता है और आगे भागना होता है। अगर हमने आगे पास किए तो ये फॉरवर्ड हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है तो हमको ऐसे झुक के ऐसे स्क्रम बनना पड़ता है, ऐसे स्क्रम बनते हैं, या फिर आगे हमारा बॉल गिर जाता है तो नॉकआउट हो जाता है, फिर वो ड्रॉप हो जाता है तो उसमें भी ऐसे नॉकआउट बनना पड़ता है, फिर इसमें ऐसे करके टैकल मारना पड़ता है। सबसे अहम चीज़ यह कि इसको सेफ रखना पड़ता है, इसको अपना बनाना पड़ता है, जैसे हमारा खुद का बाबू होता है ना कि ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं, वैसे ही इसको ऐसे करके भागना होता है, मारना होता है, इसको फिर छीनना होता है, अपोनेंटिंग जो होता है इसको छीनता है। तो ये सभी स्किल्स है, इसमें बहुत सारे स्किल्स है, ऐसे करके पास करना पड़ता है, ऐसे करके फिर ऐसे दूर पास करना पड़ता है, मतलब ऐसे करके खेला जाता है। फिर हमारा जो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वही सेम होता है, बट आगे में 2 पोल होता है लंबा सा, और उसके बीच में ऐसे 1 पोल होता है, तो उसके बीच में जाके ऐसे रखना होता है, या फिर वहाँ से वहाँ, मतलब पूरे ग्राउंड में आप कहीं भी लास्ट छोर में इसको रख सकते हैं, तो कहीं भी आप ट्राई कर सकते हैं लास्ट छोर में। तो इसको हाथ से खेला जाता है और पैर से, दोनों से खेल सकते हैं, पैर से भी मार सकते हो और हाथ से भी, तो ये काफ़ी अच्छा गेम है, इसको आप खेल सकते हो, बहुत फन लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और इसके बारे में आप मत सोचो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, ठीक है,
प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन उसका सामना हमको करना पड़ता है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को करो लेकिन अपना 100% दो, 100% दोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। हेलो, अभी हम आप लोग के सामने रग्बी की कुछ स्किल्स एंड ड्रिल्स करके बताने वाले हैं जो जिससे आप लोग को विशेष जानकारी मिल सकती है। जैसा कि हमारे रग्बी दो तरह के होते हैं, एक सेवन्स होते हैं और एक फिफ्टीन्स होते हैं। तो फिफ्टीन्स में हमारे 23 प्लेयर्स जाते हैं जो कि बेस्ट फिफ्टीन ग्राउंड पे उतरते हो, और सेवन्स में 14 प्लेयर होते हैं जो कि सेवन्स ग्राउंड पे उतरते हो। तो सेवन्स का रूल कुछ ऐसा है कि सेवन्स में फॉरवर्ड 4 होते हैं और बैक 3 होते हैं। तो फॉरवर्ड में हमारे हो जाते हैं अस्क्रम में जो आते हैं उसको फॉरवर्ड कहते हैं, और जो अस्क्रम के बाहर रुकते हैं उसको बैक्स कहते हैं। फॉरवर्ड में हमारे 3 प्लेयर्स होते हैं, हुकर, राइट ड्रॉप, लेफ्ट ड्रॉप एंड अस्क्रम के पास जो रुकते हैं बॉल के लिए उन्हें अस्क्रम हाफ कहते हैं, अस्क्रम हाफ कहते हैं। और फिर हमारा बैक्स लाइन हो जाता है जो कि फ्लाई हाफ, सेंटर और विंगर हो जाता है। फ्लाई हाफ, सेंटर और विंगर यानी 3 बैक्स में रुकते हैं। और तो फर्स्ट हम आप लोग को अस्क्रम बताएंगे जो कि 3 में होते हैं, हुकर, राइट ड्रॉप एंड लेफ्ट ड्रॉप। तो वो हमारा अस्क्रम किस पोजीशन में बनाया जाता है वो अभी आप लोग को हम दिखाएंगे। वो हमारे मैच के दरमियान जब भी होता है, जब भी हमने बॉल पकड़ रहे हैं, हमने मेरे को ऐसा पाता जैसे बॉल आगे ड्रॉप हुआ तो हम इस पोजीशन में अस्क्रम बनते हैं। ऐसे आया बॉल हमने छोड़ दिया इस पोजीशन में, फिर या हमने आगे पास कर दिया इस पोजीशन में हमारा अस्क्रम बनता है। तो हमारा अस्क्रम इस टाइप से बनता है, क्राउच, बाएं, से फिर इधर से बॉल आता है, इधर से ऐसे बॉल डालते हैं हमारे अस्क्रम हाफ, उसके बाद हम ऐसे पैर से इसको बॉल को ऐसे निकालते हैं। फिर हमारा जो बैक स्लाइड होता है वो खेलता है यानी फ्लाई हाफ, सेंटर, विंगर, वो जो 3 होते हैं जो भी बैक्स में रुकते हैं हमारे 3, वो तीनों खेलते हैं। फिर हम आपसे बात करेंगे टैकलिंग के बारे में, टैकलिंग हम कैसे करते हैं जिससे हमें सेफ्टी हो, हमें इंजरी ना हो, वो हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे टैकल करेंगे जिससे हम इंजरी हो जाएंगे तो हम मैचेस नहीं खेल पाएंगे। तो हम अभी आप लोग के सामने टैकलिंग बताएंगे। टैकलिंग हमको अगर वो अटैक कर रहे हैं और हमको डिफेंस करना है तो हमें डिफेंस करना है तो हमें टैकलिंग बहुत संभल के करना है। अगर तो वो उस साइड जा रही है तो हमको राइट शोल्डर को बाहर की तरफ फेंकना है, हमारा जो राइट शोल्डर है बाहर की तरफ फेंकना है। वो अगर बाहर जा रही है तो हमारे राइट शोल्डर जो है ऐसे करके ऐसे लगाना है और उनको बाहर की तरफ फेंकना है। अगर जो वो लेफ्ट जा रही है तो हमारा लेफ्ट शोल्डर इधर की तरफ फेंकना है, यानी हमारे जो भी है हम जब भी डिफेंस कर रहे हैं तो बाहर की तरफ फेंकेंगे। अगर जो ये इधर भाग रही हो और ये शोल्डर हम लेके जाते हैं, तो हमारा जो सीध है इनके बॉडी के नीचे आ जाएगा तो इसे हमें इंजरी हो सकती है। तो इसलिए हमें सेफ्टी के लिए ये टैकलिंग पे ध्यान देना होता है। और जब भी हमारा अटैकिंग होता है तो अटैकिंग में बहुत संभल के अटैकिंग करना पड़ता है क्योंकि उनका अटैकिंग है, वो अभी अटैकिंग कर रही है तो उनको अभी डिफेंस से बच के अटैकिंग करना होगा। क्योंकि अगर जो वो मेरे सामने आती हैं तो हम टैकल मारेंगे तो उनको भी इंजरी हो सकती है क्योंकि बॉडी का कोई भी पार्ट है तो कहीं भी लगेगा तो उनको इंजरी हो सकती है। तो वो चाहेंगी कि मैं इनके सामने से साइड होके भागे, तो वो मेरे सामने ना आके वो चाहेगी साइड में भागने के लिए। ये हमारा अटैकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, टैकलिंग हो गया, और बच गया हमारा रग। हम उसे कहते हैं जब ही ऐसे आ रही हो और हमने टैकल मारा ये डाउन गई अपने ग्राउंड के साइड। उसके बाद इनके प्लेयर जो एक है वो ब्रीच करते हैं, ये हमारी टीम है, उनके एक प्लेयर इधर ब्रीच करेंगे, बॉल को सेव करेंगे। हम इधर से इधर नहीं जा सकते हैं, इधर गए तो हमारा फॉल है, हमें येलो कार्ड मिल सकती है। तो इसीलिए हमारा ये फॉल लाइन होता है, हमें इसके उधर नहीं जाना पड़ेगा जब तक ये प्लेयर को धक्का मार के गिरा नहीं देते। इनके ऊपर एक प्लेयर होंगे क्योंकि अभी हमारे पास प्लेयर नहीं है तो हम नहीं बता पा रहे, बट हम करके बताते हैं कि इनके ऊपर ऐसे एक प्लेयर होंगे, इनके प्लेयर होंगे ऐसे करके, और इनको हमको मार के गिराना होगा। जो ऐसे गिर जाएंगे तो हम इधर से हमारी टीम की जो भी लड़कियां रहेगी इधर से जाके ऐसे बॉल ले सकती है। अगर जो
ये नहीं गिरी तो हम बॉल नहीं ले सकते, ये हमारा लक पॉजिटिव हो गया, ये हमारा फॉल साइड है, तो ये हमारा रक हो गया। उसके बाद हम ये हमारा रक हो गया, तो हमारे रग्बी में कुछ ऐसे ऐसे स्किल्स हैं, फिर हमारे पासिंग्स है कि हम जब भी मैच स्टार्ट करते हैं तो हमारे पासिंग जब भी हमारा स्टार्ट होता है तो स्टार्ट, उसके बाद हम पीछे की तरफ पास कर सकते हैं, हम आगे की तरफ पास नहीं करेंगे। अगर जो हम आगे की तरफ ऐसे पास करते हैं, ऐसे हम आगे की तरफ पास करते हैं तो ये हमारा फॉरवर्ड है, यानी हमने बताया इस पोजीशन में हमारा अस्क्रम बनेगा। इस पोजीशन में हमारा जो तीन प्लेयर थे फॉरवर्ड वाले, उस पोजीशन में हमारा अस्क्रम बनेगा। फिर हमारा जो भी ग्राउंड का जो लास्ट यानी लाइन आउट लाइन होता है, लाइन आउट लाइन जो होता है, वहाँ पे हम अगर जो टच करके बाहर निकल जाते ग्राउंड से तो हमारा लाइन आउट बनता है। तो अपोनेंट टीम और हमारी टीम यानी तीनों के फॉरवर्ड प्लेयर इधर खड़ा होते हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और उनके स्क्रम हाफ यानी उनके फॉरवर्ड के स्क्रम हाफ बाहर ग्राउंड के बाहर से बॉल को थ्रो करती हैं और हमको बॉल को रिसीव करना होता है, और हम बॉल रिसीव करते हैं उसके बाद हम बैक्स को खिलाते हैं, यानी हमारा स्क्रम हाफ बैक्स को खिलाते हैं, यानी फॉरवर्ड फ्लाई हाफ सेंटर विंगर ये तीनों बैक्स हैं वो खेलेंगे बाहर के तरफ। तो ये हमारा लाइन आउट हो गया, लाइन आउट में 3 प्लेयर रहेंगे और इधर से जंप करना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है हमारे बीच वाले प्लेयर को, लिफ्ट करके बॉल को उठाना पड़ता है। तो हमारे ये कुछ स्किल्स थे और हम बताते हैं और भी ऐसे बहुत स्किल्स हैं जैसे सीजर येलो वगैरह, तो वो बहुत सारे प्लेयर्स में होते हैं। बच्चे हमारे कुछ ऐसे स्किल्स हैं, फर्स्ट हो गया कि जब भी हम मैच खेलते हैं तो फर्स्ट रूल होता है क्या कि हम पीछे की तरफ पास करेंगे आगे की तरफ नहीं करेंगे। फिर सेकेंड हो जाता है क्या कि हम गेम के दरमियान कुछ भी मतलब स्किल्स कर सकते हैं, जैसे हमारा सीजर वगैरह हो गया, ये सभी मतलब सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब कई भी स्किल्स है जो हम कर सकते हैं रग्बी को मतलब और भी अच्छा बेहतर बनाने के लिए। हमारे आपके सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशल रूल है जिनको फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हमारे ये प्लेयर्स हैं जो इनका अटैक है और हमारा डिफेंस है, ये बॉल लेके भाग रही है तो हमारा कुछ मतलब ऐसा रूल होता है कि हम इनके शोल्डर के ऊपर नहीं मार सकते, अगर जो शोल्डर के ऊपर हम मारते हैं तो हमें येलो कार्ड मिल सकती है, येलो कार्ड या फिर पेनल्टी। अगर जो बहुत गंदा वाला इनको मारे है सीट के ऊपर तो हमें रेड कार्ड भी मिल सकती है। तो ऐसा कुछ मतलब उन्होंने रूल्स बनाया है कि आप शोल्डर के ऊपर नहीं मार सकते हो, अगर शोल्डर के ऊपर मारते हो बहुत ज़्यादा इनको अगर जो इंजरी का चांसेस होता है या बहुत ज़्यादा ये इंजरी हो जाती है तो आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड मिल सकता है, यानी आप पूरे गेम से आउट हो सकते हो। तो ऐसा उन्होंने रूल्स बनाया है, इनको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर जो हमने शोल्डर से नीचे मारे इंजरी नहीं हुआ तभी इनको पेनल्टी हो सकता है, तो ये पेनल्टी में हमारा होता है क्या कि हम 10 मीटर बैक जाते हैं, हमारी टीम जो है पूरी टीम यानी 7 के 7 प्लेयर वो पीछे जाएंगे एंड ये जो है ये वहाँ से टैब स्टार्ट करेगी, यानी पैर को ऐसे लगाएगी और टैब स्टार्ट करेगी, उसके बाद इनका गेम ऑन होगा, तो ये खेलना तभी शुरू करेगी। यानी ये हमारे रूल्स हैं हमारे सेफ्टी के लिए कि हम दूसरे प्लेयर को ऐसे नहीं मार सकते हैं शोल्डर के ऊपर ताकि उनको कुछ भी इंजरी हो चाहे उनको तकलीफ हो, ऐसा उन्होंने रूल्स बनाया। अभी हम आप लोग के सामने गेम प्लेइंग यानी गेम कैसे स्टार्ट होता है वो बताने वाले हैं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम ग्राउंड पे उतरते हैं तो गेम रेफरी गेम को कैसे स्टार्ट करते हैं वो अभी आपके सामने हम बताएंगे। ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा सेंटर लाइन है, हमारी एक टीम है एंड उनकी एक टीम है, वो अपने टीम के साथ खड़े हैं, यानी उनके 7 प्लेयर है और हमारे 7 प्लेयर है। तो हमारे 7 प्लेयर हमारा किक है, उनका रिसीव है, वो रिसीव कर दीजिए हम किक मार दें, वो रिसीव करके आगे की तरफ भागेंगे यानी ट्राई लाइन की तरफ भागेंगे, उधर जिधर गोल पोस्ट है उधर वो ट्राई करने वाली, हम इधर से किक मार के वो रिसीव करने वाली है, ये भागी है, फिर ऐसे हमको टैकल करना, यानी हमारा गेम स्टार्टिंग ऐसे किक से स्टार्ट होने वाला है, ये इधर भागेगी हम उनसे बॉल छीनेंगे, मतलब हमारा गेम कुछ ऐसा है। और बेसिक्स हमने बताया है
जो अस्त्रम अगर जो हमने किक मारे अस्त्रम किस पोजीशन में बनेगा, हमने किक मारे उन्होंने बॉल नॉकन कर दिए इनके हाथ से लग के गिर गया, तभी वहाँ पे ऐसे अस्क्रम बनेगा और हमारी टीम का बॉल रहेगा, यानी हमारी जो अस्क्रम हाफ रहेगी वो इधर से बॉल डालेगी और ऐसे बॉल निकालना है, फिर हमारी अस्क्रम हाफ हमारे बैट्स को चलाएगी, यानी फ्लाई हाफ सेंटर विंगर के पास तक जाएगा और विंगर बाहर से यानी ग्राउंड के बाहर से खेलेगा। तो हमारे जो फॉरवर्ड वाले टीम थे इधर अस्क्रम में रुकेंगे, हमारे पास प्लेयर नहीं है इसलिए हम दो करके बता रहे हैं, बट ये रूल्स है, ये हमारे फॉरवर्ड करेंगे अस्क्रम। उसके बाद फिर हम अगर जो किक करते हैं वो रिसीव कर रहा है और हमने जाके हाई टैकल मार दिया तो हमें कार्ड मिल सकती है, हम ग्राउंड से बाहर भी जा सकते हैं, नहीं तो हमें पेनल्टी भी मिल सकती है, वो पेनल्टी स्टार्ट कर देती है, यानी हम 10 मीटर बैक भी जाते हैं। ये गेम दरमियान होना है, यानी हमने पहले भी बता चुका आपको और अभी भी बता रही हूँ, ऐसा मतलब गेम दरमियान हो सकता है, और भी मतलब बेसिक्स हैं जो कि बहुत बड़े ग्राउंड में हो सकते हैं, बट हमने छोटे छोटे स्किल्स आपके सामने रखे हैं जो आपको समझ में आ सकती है। तो ये सब हमारे स्किल्स थे और हम आपको ग्राउंड के एक छोटे से मैप पे भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, किधर कौन से प्लेयर होते हैं, क्या ट्राई लाइन होते हैं, कितने मीटर का लंबाई चौड़ाई ग्राउंड होता है, वो सभी अभी हम आपको दिखाएंगे। ये हमारा रग्बी का मैप है, उसके बाद हम मैप के द्वारा बात करेंगे। ये हमारा रग्बी का ग्राउंड है, इसी पे हम प्लेइंग करते हैं। तो विशेष हम बताएंगे कि ये हमारा सेंटर का लाइन होता है, यानी दोनों टीमों की ये सेंटर की लाइन होती है। हमने अभी बताए थे किक एंड रिसीव, तो ये एक टीम है, इनके ये प्लेयर है, ये इनके सात प्लेयर है और ये किक मार रहे हैं और ये रिसीव कर रहे हैं, इनके ये सात प्लेयर है, रिसीविंग के लिए रेडी है यानी कैच रोकने के लिए रेडी है, इनके ये सात प्लेयर, ये इधर से किक करेंगे और ये रिसीव करेंगे, ये रिसीव करेगी और ये आगे की तरफ भागेगी, ठीक है। तो ये इनका किक हुआ, ये इनका रिसीव हुआ, ये बेसिक हमने बता दिया कि 7 प्लेयर इस पोजीशन पे खड़े होते हो, ये सेंटर लाइन होता है दोनों का, ये 10 मीटर लाइन होता है, ये 20 मीटर लाइन होता है दोनों साइड का, ये 10 मीटर लाइन होता है, ये 20 मीटर लाइन होता है, ये हमारा ट्राई लाइन होता है, ये हमारा ट्राई लाइन होता है, इसके बीच में आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो, ये यानी इधर से इधर, यहाँ से यहाँ आप ट्राई लाइन कहीं भी कर सकते हो, ये हमारा डेड लाइन है, इधर आप बाहर जाओगे तो यहाँ 5 मीटर पे स्क्रम बन सकता है यहाँ पे, तो इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बीच में इधर ट्राई करना है, इधर वाली टीम इधर करेगी, इधर वाली टीम इधर करेगी। तो ऐसा कुछ है कि इन्होंने किक किया, ये रिसीव करेंगी, ये आगे की तरफ भागेंगी, इन्होंने भागे, अगर जो इधर इनको टैकल लगा तो ये डाउन जाएंगी, यानी रक बनेंगी, रक जो हमने अभी बताए थे वो रक बनेंगी, फिर इनका बैक्स लाइन तैयार होगा, बैक्स में इधर बॉल चलेगा और ये सभी डिफेंस करेंगे, मान लेते हैं यहाँ रक बन गया तो इधर से इधर इनका बॉल चलेगा और ये इधर से इधर सारे प्लेयर डिफेंस करेंगे, इधर से नहीं जाने देंगे, ये हो गया। मान लिया जाए फिर से इन्होंने किक किया, इन्होंने डाउन गए, ठीक है, मान लिया जाए फिर डाउन गए, बॉल चला, इनका विंगर भाग के ट्राई कर दिया, इस छोर में ट्राई कर दिया, इस छोर से इस छोर, यानी कहीं भी ट्राई करेंगे तो 5 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 पॉइंट्स मिलने के बाद कन्वर्ट करने का मौका मिलता है, कन्वर्ट करने का यानी इस लाइन में ट्राई करेंगे तो इस लाइन में आपको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से इस पोल के बीच में मार के इधर कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट का 2 पॉइंट्स मिलते हैं और इसके बीच में कहीं भी ट्राई करने का 5 पॉइंट्स मिलते हैं, तो कन्वर्ट अगर आप कर देते हो तो एक्स्ट्रा आपको 2 पॉइंट्स मिलता है, तो यानी यहाँ ट्राई किया तो इस लाइन में यहाँ से आपको किक मारना पड़ेगा इधर। तो ये गेम कुछ ऐसा कि आप हाथ से भी खेल सकते हो, बॉल से हाथ से भी खेलना और पैर से भी खेलना, दोनों चीजों से खेलना है, बॉल के साथ मतलब दोनों चीजों से आप खेल सकते हो। फिर इन्होंने ट्राई कर दिया, फिर इनको कन्वर्ट करने का मौका मिला, कन्वर्ट भी किए तो 5 पॉइंट और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, कन्वर्ट हो गया 2 पॉइंट एक्स्ट्रा, यानी 7 पॉइंट मिल गए। अगेन इनका किक होता है, अगेन इन्हीं का किक होता है, ये फिर मारेंगे, ये मारेंगे और ये रिसीव करेगी, सेम इसी पोजिशन में खड़ा रह के ये रिसीव करेगी, अगर जो इनका रिसीविंग हुआ, ये रिसीविंग इनका हुआ, यहाँ रिसीव कर रही है इनके 4 प्लेयर,
ये इनके चार प्लेयर हो गए रिसीव कर रहे हैं, ये इनके चार प्लेयर रिसीव कर रहे हैं, इन्होंने किक यहाँ से किया, इनके सारे प्लेयर इधर रुके हैं, इधर जाने इधर से ये बॉल मारेंगे, अगर इन्होंने बॉल मारा इनके हाथ से छूट गया ये नॉक ऑन हो गया यानी नॉक ऑन हो गया तभी इधर अस्क्रम बनेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि अस्क्रम तीन प्लेयर से बनेगा एंड उनका एक अस्क्रम हाफ होगा, यानी चार प्लेयर उधर रुकेंगे और तीन पीछे रुकेंगे, फ्लाई हाफ सेंटर विंगर पीछे रुकेंगे, यानी अस्क्रम जो हमने बताया आपको वो अस्क्रम इधर बनेगा क्योंकि इधर नॉक ऑन हुआ, हमारे हाथ से बॉल छूट गया, हमारे आगे छूट गया, तो हमारे आगे छूटा तो ये नॉक ऑन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे अस्क्रम बनना है, यहाँ पे अस्क्रम बनेगा, ये हो गया अस्क्रम यहाँ पे बनेगा, फिर इधर अस्क्रम बनेगा और इनकी बॉल रहेगी क्योंकि इनसे बॉल छूटा है तो इनकी बॉल रहेगी, इनके जो अस्क्रम हाफ है वो बॉल डालेंगे और इधर फिर बैक्स में चलाएंगे, अस्क्रम हाफ बैक्स में बॉल चलाएंगे यानी फ्लाई हाफ सेंटर विंगर फिर भाग के ट्राई करेगा, जो भी इनके स्किल्स है वो करेंगे, पासिंग सीजर वगैरह जो भी स्किल्स हमने अभी बताए थे वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा अस्क्रम हो गया एंड रग बता दिए, फॉरवर्ड बता दिए, जैसे हम यहाँ से पासिंग चला रहे हैं हमारा पेनल्टी स्टार्ट होता है, जैसे कि इन्होंने किक मारा ये रिसीव कर ली और हमारे एक प्लेयर ने जाके हाई टैकल मार दिया, इस प्लेयर को हाई टैकल मार दिया तो हमारा पेनल्टी, मतलब हमको पेनल्टी मिल सकती है, यानी इन टीम को पेनल्टी मिल सकती है, या यहाँ से टैव स्टार्ट करेंगे और इधर वाली टीम 10 मीटर बैक जाएगी, जो कि हमने अभी बताए थे पेनल्टी स्टार्ट करके, तो वो चीज़ यहाँ पे होगा गेम के दरमियान, पेनल्टी स्टार्ट हमने बता दिए जो हाई टैकल मारेंगे, फिर प्लेयर सबकी मतलब एक दूसरे से कैसे करना, जैसे कि ये प्लेयर भाग रही है बॉल लेके इधर, तो इधर वाले प्लेयर अब शोल्डर के ऊपर नहीं मार सकते, शोल्डर के ऊपर मारेंगे तो वो हार्ट टैकल हो सकता है, उनको इंजरी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है, हम शोल्डर के ऊपर मारते तो ये बहुत नाजुक होता है तो ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ का ध्यान देना है, तो हम ऊपर नहीं मार सकते। फिर हमारा ये हो जाता है टच लाइन, ये हमारा टच लाइन है, अगर जो इस ग्राउंड से इधर की प्लेयर इधर वाले प्लेयर को ग्राउंड से मार के बाहर निकालती है, तो इनकी बॉल रहेगी और ये जो 5 मीटर का लाइन हमने दिया है, ये 5 मीटर का लाइन, इधर 5 मीटर का लाइन है SS, तो ये 5 मीटर के लाइन पे यहाँ 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होते हैं बाहर के तरफ फेस करके, और बाहर से प्लेयर इधर बॉल थ्रो करते हैं, जो कि हमने लाइन आउट में अभी बताया था, बाहर से प्लेयर थ्रो करते हैं एंड इधर इनके फॉरवर्ड वाले तीन प्लेयर खड़े होते हैं, वो बॉल को रिसीव करते हैं एंड बैक्स में चलता है, यानी फ्लाई हाफ सेंटर और विंगर में चलता है, तो ये तीन प्लेयर निकालेंगे बॉल को, स्क्रम हाफ निकालेंगे बॉल को, फ्लाई हाफ सेंटर विंगर में चलेगा, तो ये हमारे बेसिक स्किल्स थे, और भी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो हम बता सकते हैं, बट बहुत सारे प्लेयर्स में और भी स्किल्स होते हैं, बट जो हमारे बेसिक्स थे जो समझने लायक थे वो हमने बता दिए, और आपको विशेष जानकारी हमारे वीडियो से मिल जाएगी, हमने और भी मैचेस की वीडियो वगैरह डाले हैं तो उससे आपको मिल सकती है, तो हमने विशेष नॉलेज रग्बी के बारे में आपको दे चुके हैं, हमारी ये पार्टनर है जो साथ में प्रैक्टिस करती है, ये भी रग्बी प्लेयर है, इसका नाम गुड़िया है, और इसको आज हम स्पेशल आप लोगों के लिए बुलाए थे रग्बी स्किल्स करने के लिए, ये क्योंकि थोड़े दूर पे रहती है तो इसको आप लोगों के लिए बुलाए गए हैं ताकि हम रग्बी स्किल्स एंड ड्रिल्स करके दिखा सके, जो कि आपको दिखा चुके हैं, और भी से जानकारी आपको इसी से मिल सकती है, और हमारे मैचेस आपको यूट्यूब या फिर इसमें आपको मैचेस देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको समझ सकते हो कि रग्बी क्या है, या फिर आप यूट्यूब से देख के समझ सकते हो कि रग्बी क्या है, बट जो भी स्किल्स था वो हमने आपको बता दिए, यही हमारे रग्बी के स्किल्स हैं, अगर आप खेलना चाहोगे तो आप भी खेल सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन है, क्योंकि हम भी स्टार्टिंग किए थे उस टाइम भी हमको फन लगा, इसीलिए रग्बी से प्यार हो गया, इसीलिए हम खेल रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी आओ, आप भी रग्बी को खेलो, बहुत मजा आएगा, एक बार आप ट्राई तो करो, एक बार आप आ जाओगे बहुत मजा आएगा, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू। नमस्कार बच्चों, मैं तेजस शाह एक डॉक्टर हूँ, अक्सर आप मुझे क्लिनिक में पाएंगे, लेकिन आज मैं किचन में आया हूँ कुछ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? मेरी फेवरेट डिश जो मैं कभी भी खा सकता हूँ,
ये डिश इतनी अच्छी है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बचपन से आप सब ये डिश खाते आए हैं। ये डिश इतनी स्वादिष्ट भी है कि हर घर में साउथ इंडिया में बनती है। कहने को तो ये डिश साउथ इंडियन है, लेकिन देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में ये डिश मशहूर है। जी हाँ, ये डिश का नाम है इडली डोसा और चटनी, जो आप भी अपने घर में आज आसान तरीके से बना सकते हैं। इडली बनाना टेक्निकल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप ये बात अगर समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो चलिए आइए देखते हैं हम अपने रसोई घर में कैसे बनाते हैं मुलायम, लाजवाब और फ्लफी इडली। इडली बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली चीज है उपड़े हुए चावल, जिसको हम पारबॉइल राइस भी कहते हैं। ये चावल स्पेशली इडली में यूज किए जाते हैं और किसी भी दुकान में आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज है सफेद उड़द की दाल। ये दोनों चीजों को हमने रात को सोने से पहले भिगोनी है, ताकि सुबह थोड़ी ये नरम हो जाए और थोड़ी फूल जाए। इडली तभी अपनी अच्छी बढ़िया बनती है जब ये दोनों चीजों का एक परफेक्ट रेशियो हो। तो हमने यहाँ पे 3 भाग चावल के लिए है और 2 भाग दाल के लिए है। बैटर के लिए कई लोग ये दोनों को साथ में पीसते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो दाल अपनी है वो थोड़ी स्मूथ पीसेगी और चावल जो है वो थोड़ा दरदरा पीसेगा। तो हम दोनों को अलग से पीसेंगे और फिर एक बोल में साथ में मिक्स कर देंगे। तो आइए अब अभी हम दाल पीसते हैं। दाल पीसते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि पानी थोड़ा कम होना चाहिए और दाल थोड़ी थिक होनी चाहिए। तो ये हमने दाल पीसने के लिए डाल दी है मशीन में। ये हो गए रेडी अपनी दाल, नाइस स्मूथ पेस्ट। सो दिस कम्स आउट इन अ बोल। तो अपनी ये पिसी हुई सॉफ्ट दाल रेडी है। अभी हम इसको थोड़ा फ्लफ करेंगे। पहले के जमाने में जब ये पत्थर पे पिसती थी तो अपना फ्लफिनेस आ जाती थी, लेकिन अभी मिक्सी में पिसने के कारण थोड़ी फ्लफिनेस कम आती है। जितना बैटर अपना फ्लफी रहेगा उतनी ही फ्लफी अपनी इडली रहेगी। सो ये हो गया अपना बैटर रेडी। अच्छी सी दाल हमने पीस ली है और अभी हम चावल को पीसेंगे। तो अभी हम चावल को थोड़ा दरदरा पीसेंगे और सेम मिक्सचर में ही पीस लेंगे। पीसते समय याद रहना चाहिए कि पानी की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारा बैटर थोड़ा वाटरी रहेगा तो हमारी इडली थोड़ी सॉफ्ट नहीं बनेगी। ये हो गया तैयार। यस, अब देख सकते हैं चावल एकदम अच्छी तरह से दरदरे पीसे हुए हैं और ये सेम मिक्सचर में हम इसको वापस डाल देंगे, सेम बोल में जिसमें हमने दाल को पीसा था। अभी दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हो गया रेडी हमारा पूरा इडली का बैटर। आप सबको एक राज के बाद में बताऊं, जब ये बैटर साउथ इंडियन घरों में बनते हैं तो उसके पहले दिन यानी कि रात में बना है तो सुबह में उसकी इडली बनती है, वही बैटर साइड पे रख दिया जाता है। उसके दूसरे दिन डोसा बनते हैं और उसके तीसरे दिन उत्तपम बनते हैं। जैसे जैसे ये बैटर खट्टा होने लगता है वैसे ही उसका यूजेज डिफरेंट होते जाते हैं। तो हम पहले दिन इसकी फ्रेश इडली बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम पूरी रात भर इसको फर्मेंट करने के लिए साइड पे छोड़ देंगे। अगर आप रात भर नहीं रखना चाहते हो तो कुछ घंटों के लिए तो इसको साइड पे रखना पड़ेगा। तो आइए हम फिर अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है। आप जैसे देख रहे हो हल्की सी खटास भी आ चुकी है जो आप अच्छी तरह से स्मेल कर सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। याद रहे नमक स्वाद अनुसार होना चाहिए। पहले हम नमक इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस को रोक देता है। जितना बैटर चाहिए उतने में ही हम नमक डालेंगे। तो ये डाल दिया हमने थोड़ा सा नमक और इसको अच्छी तरह से वापस मिक्स कर देंगे। वाह, क्या खुशबू आ रही है बैटर की। तो ये बैटर अपना रेडी हो गया और अभी इसको हम डालेंगे स्टीमर में। चलिए, तो ये हमारा इडली का स्टीमर जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक साधारण सा स्टीमर भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जो आप प्रेशर कुकर में डाल के भी इडली को पका सकते हैं, क्योंकि अपनी जो इडली है वो स्टीम से बनती है। चलिए, तो अभी हम इडली के स्टीमर में इडली का बैटर डालना शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं मैंने थोड़ा पानी पहले से ही डाला हुआ है स्टीमर के अंदर, क्योंकि हमारी जो इडली है वो स्टीम से बनती है। अभी एक एक कंपार्टमेंट को लेके अच्छी तरह से हम तेल लगा लेंगे
ताकि हमारी इडली बनने के बाद आसानी से निकल सके। और एक एक चम्मच लेके हम अच्छी तरह से ये बैटर को ये इडली में डाल देंगे। इडली बनने में कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो बच्चों क्या कहते हो, तब तक क्यों ना हम एक मजेदार चटपटी तड़के वाली एक अच्छी सी चटनी बना ले। इडली चटनी का कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हो, एक दूसरे के बिना चलता नहीं है। और साउथ इंडियन घरों में तरह तरह की चटनियां बनती है, लेकिन हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो एक सिंपल सी व्हाइट क्लासिक कोकोनट चटनी। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और कैसे चटनी बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो चटनी बनाने के लिए हमको ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। पहले हम डालेंगे सूखा कटा हुआ नारियल, जिसका पीछे का ब्राउन हिस्सा मैंने निकाल दिया है, तो ये हमने डाल दिया। फिर डालेंगे थोड़ी चने की दाल, सही मैंने थोड़े डाल दी मिर्ची, पीस डाल दिए लहसुन के, ये डाल दिया अदरक और स्वाद अनुसार नमक। तो ये हो गया तैयार हमारा चटनी का मिश्रण। इसको हम अच्छी तरह से मशीन पे पीस लेंगे। बीच में थोड़ा पानी भी डालिएगा जरूर, ताकि हमारी जो चटनी है वो थोड़ी स्मूथ पीस है। क्या खुशबू आ रही है चटनी की। तो ये हो गई हमारी चटनी तैयार, देखिए कितनी अच्छी तरह से पीसी है हमने। इसको हम एक बोल में निकाल देंगे, थोड़ा नींबू भी डाल देंगे स्वाद के लिए। तो अभी हम तड़के के लिए थोड़ा तेल गरम कर रहे हैं पहले। जैसे जैसे थोड़ा तेल गरम हो जाता है, फिर हम राई के दाने डाल देंगे, फिर थोड़ी उड़द दाल डालेंगे इसमें। थोड़ी पीली होने दीजिए उड़द दाल को। फिर हम थोड़ी चने की दाल भी डाल देंगे। थोड़ी सी ब्राउन होने दीजिए, आप देख सकते हैं अभी थोड़ी ब्राउन हो चुकी है। फिर थोड़ी लाल मिर्च भी डाल देंगे और फिर हम थोड़े कड़ी पत्ता डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा तड़का रेडी, और अभी हम इसको चटनी में मिला देंगे। तो अभी हम ये तड़का इसमें डाल देंगे चटनी में अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से वापस मिला देंगे। वाह दोस्तों क्या खुशबू आ रही है, मैं कह नहीं सकता हूँ, इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। तो ये हो गई हमारी चटनी रेडी, और अभी हम देखेंगे हमारी इडली बन चुकी है कि नहीं। हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है, हमारी चटनी भी तैयार हो चुकी है, तो फिर देखते हैं कि हमारी इडली भी बनी है कि नहीं है। हम एक नाइफ लेंगे क्रॉस चेक करने के लिए कि इडली में चिपक तो नहीं रही है कि नहीं। तो दिस कम्स आउट क्लीन, यानी कि हमारी इडली एकदम तैयार है। अभी हमारा स्टीमर थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो चलिए अभी हम इडली निकालना शुरू करते हैं। निकालने के टाइम पे ये बात ध्यान में रहे कि हाथ जल ना जाए, क्योंकि स्टीम थोड़ी गर्म होती है। निकालने के लिए मैंने एक नाइफ का इस्तेमाल किया है और थोड़ा पानी का, ताकि हमारी इडली स्मूथली बाहर आ सके। तो नाइफ को यूं अपने को पानी में भिगोना है और धीरे धीरे इडली के इर्द गिर्द घुमाना है, ताकि इडली आसानी से निकल सके। तो बच्चों हमने इडली बनाना तो सीख लिया, डोसा बनाने के लिए भी सेम बैटर यूज किया जाता है जो हमने इडली के लिए बनाया है। एक बात आप लोगों ने नोटिस की, इडली भी गोली बनती है और डोसा भी अपना गोली बनता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं गोल क्रिस्पी और करारा डोसा। बच्चों डोसा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक तवे की जरूरत पड़ती है, तभी मैं आपको बताता हूँ कैसे डोसा बनाते हैं। तो ये हमने बैटर ले लिया एक बड़े से चम्मच में और ये तवे पे डाल दिया, और ऐसे गोल गोल करके आपको इसको फैलाना है। आप देख सकते हैं हमारा डोसा किस तरह से अच्छी तरह से गोल बना है। आजू बाजू चाहिए तो आप थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं, ताकि डोसा बाहर निकालने में थोड़ा आसानी हो जाए अपने को। इसके ऊपर भी थोड़ा तेल डाल सकते हैं आप चाहिए तो। ये हो गया हमारा डोसा तैयार,
अभी हल्के हाथ से हम इसको रोल कर देंगे और फिर प्लेट में सर्व कर देंगे। तो बच्चों हमारी तीनों चीजें अभी रेडी हो चुकी है, इडली, चटनी और डोसा। कहते हैं ना, अगर खाने को सजा के अच्छी तरह से पेश किया जाए तो ना केवल वो आकर्षक ही दिखता है लेकिन खाने वाले को भी मजा भी आता है और उसकी भूख भी और सारी बढ़ जाती है। तो कैसे अभी हम ये तीन चीजों को प्लेट पे सजाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो बच्चों ये रहे हमारे इडली, चटनी और डोसा। इन तीनों चीजों को सजाने के लिए आप कोई भी प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वुडन प्लेट का इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर एक केले का पत्ता रखा है ताकि थोड़ा ये अच्छा भी दिखे क्योंकि हमारी साउथ इंडियन डिश है। तो पहले हम इसके ऊपर हमारा डोसा रख देंगे, क्रिस्प करकरा डोसा। उसके इर्द गिर्द हम तीन इडली को रखेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हमारी फ्लफी इडली बनी है। तो तीन इडली उस तरफ, तीन इडली इस तरफ। और फिर हम एक छोटे से बोल में चटनी भर देंगे, एक मिर्ची भी ऊपर से रख देंगे सजाने के लिए। साथ में कुछ मैंने पुदीना के पत्ते लिए हैं तो वो भी हम रख सकते हैं। इडली के ऊपर हम थोड़ा तेल डाल देंगे और एक स्पेशल पाउडर है जो इडली में यूज किया जाता है सजाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं मुलगा पुड़ी पाउडर। तो ये भी मैंने इसके ऊपर थोड़ा डाल दिया ताकि थोड़ा सुंदर लगे। तो ये रही हमारी साउथ इंडियन डिश तैयार। खाना चाहेंगे आप? वाह, दाल चावल का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन, सॉफ्ट इडली, क्रिस्पी डोसा और क्रंची चटनी। और क्या चाहिए खाने में? तो ये रही आपकी साउथ इंडियन डिश तैयार, जो आप कभी भी खा सकते हो, चाहे ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में। तो बच्चों इडली, डोसा और चटनी की रेसिपी जानकर आपको मजा आया? बढ़िया। तो आज आप मुझे बताएंगे कि आपने क्या सीखा आज। चाहे तो आप माता पिता की मदद लेके आप इडली, डोसा या चटनी बनाइए, या फिर घर पे जो भी सामग्री है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप लिट्टी चोखा भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, कीप योर हैंड्स क्लीन। तो फिर इंतजार किस बात का? अपने व्यंजन को बनाने की प्रक्रिया को पूरा वीडियो रिकॉर्ड कीजिए जैसे मैंने किया है और जल्दी से हमको भेज दीजिए। उसके हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय के आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। तो जल्दी से अपनी एंट्रीज भेजिए क्योंकि हम बहुत उत्सुक है जानने के लिए और देखने के लिए आपने क्या बनाया है। कहते हैं ना, खाना दिलों को जोड़ता है। तो अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाइए, साथ में खाइए और प्यार बांटिए। लेकिन तब तक घर पे रहिए लेकिन सुरक्षित रहिए। तो बच्चों आप सबको मेरा तब तक अलविदा, शुक्रिया और जय हिंद। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें तीन तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744, 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे bepcddprogram@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में
जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी। और मैं हूँ केतन सिंह। और हम आपके लिए लेकर आते हैं द युवा उद्यमी कौशल शो। और आपको हम बताना चाहते हैं एक खास ऐप के बारे में जिसका नाम है द यस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर YESS ऐप टाइप कीजिए, जैसे वो आपको दिखाई दे इंस्टॉल कीजिए और ऐप आपके फोन में होगा। और इसके फायदे क्या क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं केतन। इस ऐप से आप हमारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, रोमांचक ग्राफिक नॉवल जीत सकते हैं और हमारे शो को दोबारा देख सकते हैं। ये सारी चीजें एक ऐप में बंद है जिसका नाम है यस ऐप बाई ESS। आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और हमारे साथ बने रहें। मैं हूं केतन सिंह और मैं काव्या सिदानी।